हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 मार्च 2021 का जो मेंस का पेपर हुआ है CGPSC में, उसमें दो पेपर हुए थे। पहला जो था लैंग्वेज का था, दूसरा इसमें निबंध का है। तो पहले वीडियो मैंने बनाया हुआ है लैंग्वेज का, जिसमें तीन भाषाएँ पूछे गए थे, हिंदी और छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निबंध विषय में, इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में, और इसी को ध्यान में रखते हुए जून 2021 का तैयारी भी हम करते चलेंगे। चलिए हम बात करते हैं। तो निबंध का जो विषय है, दूसरा प्रश्न पत्र है इसमें, तो यह जो होता है आज 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आयोजित किए गए थे। इसका अधिकतम अंक 200 अंकों का यह भी होता है। प्रश्न पत्रों की पृष्ठ संख्या 2 रहती है और प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 8 होता है। इसमें 3 घंटे दिए जाते हैं समय आपको। इस प्रकार से यहाँ पर नील पॉइंट से आपको रोल नंबर अनुक्रमांक भरना होता है, परीक्षा के केंद्र क्रमांक होता है, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, दिनांक, डेट इस प्रकार से आपको भरने होते हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य रहते हैं। और इसी प्रकार से आप 10 मिनटों का अतिरिक्त समय दिए जाते हैं, सभी लोग जानते होंगे। और प्रश्न पत्र के समस्त प्रविष्ट काले नील पेन से आपको भरने होते हैं। रब के लिए आपको अंतिम पृष्ठ में दिए जाते हैं, आप सभी जानते होंगे। और भाग एक में पार्ट वन जो होता है वह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, जिनमें इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल इश्यूज होते हैं। जिनमें उत्तर की शब्द सीमा की अगर हम बात करें तो 750 शब्द में प्रत्येक निबंध को लिखने होते हैं। हर एक निबंध को 750 शब्दों में लिखने होते हैं और अंक उनके 50 दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है निर्देश में निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं दो पर 750 शब्दों में निबंध लिखिए। राइट, इसे आप क्या होता है अप्रोक्सीमेटली 750 वर्ड, सेलेक्टिंग 2 टॉपिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रत्येक निबंध 50 अंकों का होगा। निबंध लेखन के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा के माध्यम आप चुन सकते हैं। पहला इसमें लिखा था कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। इसमें आपको बताया गया है कि 2 निबंध लिखना है, 4 निबंध दिए गए हुए हैं, इसमें से किन्हीं 2 निबंध को लिखना है। और निबंध की जो शब्द सीमा है यानी 750 750, यानी कि आपको 1500 वर्ड में दोनों निबंध को लिखना है। पहला निबंध यहाँ पर दिया हुआ है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। दूसरा है निजता का अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है। उच्च शिक्षा बनाम कौशल अर्जन क्या है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन क्या है। महत्वपूर्ण रूप से आप लिख सकते हैं निजता का अधिकार, अभी राष्ट्रीय सुरक्षा जो था अभी वर्तमान में हमारे समय में न्यूज़ में थे, इसलिए सभी पूछे जाते हैं। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका है, ये भी बहुत ही अच्छा निबंध था, इस पर लिखा जा सकता था, 750 शब्दों में लिखने थे आपको। उच्च शिक्षा बनाम कौशल अर्जन, अभी जो वर्तमान में शिक्षा नीति लागू किया गया है उसमें उच्च बनाम शिक्षा नीति को लागू किए गए हैं, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से जानना था क्योंकि अभी वर्तमान समय में आया हुआ है, इसी को ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इसका जो है विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन है, तो पर्यावरण से संबंधित हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सभी क्वेश्चनों को आपने अच्छे से तैयारी किया होगा तो निस्संदेह 750 शब्दों में आप आराम से लिख सकते हैं। और हमारे कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें निबंध कैसे लिखना है, किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार के बुक हैं, इससे संबंधित हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ मदद होगी। और हमारे इस चैनल को आप लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और इसका जो भी निबंध आया है उस निबंध पर आपको हम लिख कर भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से निबंध लिखे जाएंगे। आने वाले वीडियो में हम इस प्रकार के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से एक मॉडल आंसर इस सभी प्रश्नों को लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से 3 घंटे में ही हमें 4 निबंध लिखने होते हैं, जिसमें भाग 2 होता है जो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित मुद्दे से संबंधित निबंध होते हैं। इसमें भी 750 शब्दों में लिखना होता है और 50 अंक का प्रत्येक निबंध होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो उसी प्रकार से 4 निबंध इसमें भी दिया गया है, 2 निबंध आपको लिखने हैं। छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास कार्यक्रम स्वरूप और क्रियान्वयन, मैंने इसके बारे में पिछले वर्ष भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, गोधन न्याय योजना से क्वेश्चन आया हुआ था और 750 जो अंक है उसमें आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन से आसान प्रकृति के हैं और इस प्रकार से आसानी से आप बना सकते हैं। COVID-19 काल के दौरान छत्तीसगढ़ की शिक्षा में चुनौती और अवसर एक महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए गए हैं, इस दौरान शिक्षा की चुनौती आने का ही था। सभी निबंध बहुत ही अच्छे हैं और इसको 750 तो क्या 1500 वर्ड में भी लिखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में महिला सशक्तिकरण की भूमिका क्या है, महिलाओं का क्या क्या योगदान है। अभी वर्तमान में जो राजनीतिक क्षेत्र में 14 से 15 महिलाओं का योगदान है, उनके द्वारा विधायक बनाया गया है। इस प्रकार से समग्र यानी सभी क्षेत्रों में, हमारे संगीत क्षेत्र में, टेनिस के खेल क्षेत्र में भी महिला सशक्तिकरण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा रहा है। इस प्रकार के निबंध को बहुत ही अच्छे से लिखा जा सकता है और इसमें से 200 नंबर में से आप 150 नंबर भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, हमारा जून में मेंस क्लियर हो गया है, उन सभी को दृष्टि से अगर प्री निकल गया है तो मेंस के लिए हम इस प्रकार के दृष्टि से ध्यान में रखते हुए ज़रूर हम तैयारी करेंगे। हमारा जो जून में परीक्षा होने वाला है, अभी वर्तमान मार्च में चल रहा है, मार्च अप्रैल 2 माह मात्र है। इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और MK नॉलेज ग्रुप के जो है
टेलीग्राम ग्रुप को भी आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार के नए नए वीडियो आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ पर MK नॉलेज ग्रुप आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा और इस प्रकार के नए नए वीडियो आपको वहाँ पर मिलेंगे, इसके हाल मिलेंगे, इसके टॉपिक्स मिलेंगे और बुक से संबंधित भी क्वेश्चन वहाँ पर PDF भी प्राप्त होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से चलते हैं, किसी नए वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।